हेलो नमस्ते सस्कार राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कहीं आप लोगों ने तो देखा ही था अभी रहे दोनों की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, कबीर और रनों की वीडियो कॉल पे होते हैं तभी दिया जाती है और वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड का नंबर मिला के दो, मुझे उससे बात करनी होगी। अरे आप नंबर लेके तो गई हो, खुद बात कर लो ना। तो उसके आप ही कहती नहीं अपना मोबाइल दो, और उसके आप ही जो है अभीरा से मोबाइल ले लेते, तुरंत कॉल कट कर दिया और मोबाइल आप ही को दे देती है। उसके आप ही जब कॉल करती है अबीरा की फ्रेंड को तो वो तुरंत उठा लेती है। अबीरा के आप ही को बहुत गुस्सा आता है, वो कॉल करते हुए अबीरा को मोबाइल देते हुए चली जाती है। अबीरा अरे कॉल तो अटेंड हो गई थी, फिर आपने बात क्यों नहीं की? वो ये सब सोच रही होती है कि तभी अबीरा को उसकी फ्रेंड की वापस कॉल आ जाती होगी थी। अरे यार मैंने कॉल रिसीव करी और तूने काट दी, क्या हुआ बता तो सही। अब फिर बोलते अरे यार मैंने नहीं, आप ही ने। वो शायद गुस्सा हो गई कि तेरी आप ही मुझे कॉल क्यों करेगी, क्योंकि थी यार वो अपने नंबर से करी थी, तूने उठाया नहीं। मेरे नंबर से की तो तूने तुरंत उठा लिया, शायद इसलिए वो अब नाराज़ हो गई हैं। कहती अरे शिट यार मुझे आइडिया नहीं था उनका नंबर, अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अबीरा बोलती है इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जो अनोखी ने कहा कहीं वही तो नहीं इन दोनों के बीच? नहीं नहीं मैं आप ही को अच्छे से जानती हूँ, आप ही ऐसे हो ही नहीं सकती। उसके बाद वो कहती है कि बाप रे बाप अनोखी गुस्सा हो गई होगी। ऐसे बोल के अबीरा अनोखी को मैसेज करती है, कहती है आई एम रियली सॉरी जान, वो अचानक से आप ही मोबाइल ले रही थी ना तो डर के मारे मैंने कॉल ही कट कर दी। तो अनोखी बोलती है इट्स ओके जान, मैंने सब सुन लिया था। अच्छा सुनो मेरी वाइफ ही, अपना ख्याल रखना, आई लव यू सो मच। मम्मी बुला रहे हैं कुछ काम है, हाँ थोड़ी देर में आती हूँ, आई लव यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और एक प्यारी सी किस करके चली जाती है अबीरा, जब वो वॉइस मैसेज सुनती है हाय इसकी दिल की धड़कने बन जाती है, उसको बहुत सुकून मिलता है। वो तो बस बार बार वही वॉइस सुन रही होती है, और जिसमें अनोखी उससे वाइफ ही कह रही होती है। हाय अबीरा की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। और वहाँ दूसरी तरफ अबीरा की फ्रेंड अबीरा के आप ही को कॉल करती है, पर उसके आप ही गुस्से के मारे कॉल नहीं उठाती, बार बार कट करती है। वो समझ जाती है कि गुस्सा हो गई। और यहाँ अबीरा को जो है वो ग्रुप में मैसेज आता है, वो ग्रुप में मैसेज देखते हैं तो पता चलता है उनकी जो कल की छुट्टी थी ना वो कैंसिल हो गई है। अबीरा कहती अरे शिट यार एक ही छुट्टी मिली थी वो भी कैंसिल, तो अबीरा का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और वहाँ अबीरा की फ्रेंड ये देखते तो वो बहुत खुश होती है, कहती थैंक गॉड छुट्टी कैंसिल हो गई, मैं कल जाके अबीरा के आप ही से डायरेक्ट बात करूँगी और उन्हें मनाऊँगी। पता नहीं कितना गुस्सा कर गई होंगी वो, बाप रे बाप, एक तो उनका गुस्सा भी ना। और यहाँ अबीरा जो है वो अनोखी को मैसेज करती है कि जान सुनो ना कल की छुट्टी कैंसिल हो गई, प्लीज़ थोड़ा सा बात कर लो ना, मूड बहुत ख़राब है। पर अनोखी तो बोल के गई होती है कि वो काम करने जा रही है, इसलिए वो मैसेज ही नहीं करती। अभी रखती वो हो ने मैडम अब नहीं आएगी आसानी से, तो अभी रखती चलो थोड़ा सा आप ही का सर खाते हैं, ऐसे बोल के आप ही के पास जाती है उनसे पंगे लेने के लिए। पर आप ही का मूड बहुत ख़राब होता है, वो अबीरा से बात नहीं कर रही होती। अभी रखती अरे यार क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रही, हुआ क्या है बोलो। तो उसके आप ही कहती कुछ नहीं हुआ तुम जाओ यहाँ से। तो अभी रखती ये सब मरियम की वजह से हुआ ना। हाँ अरे फोन मरियम ने आपका नहीं उठाया, गुस्सा मुझ पे कर रहे हो। उसके आप कहती क्या मरियम मरियम लगा रखा है, मैंने बोला मैंने नाम लिया उसका। उसके आप ही मतलब बहुत गुस्सा करने लग जाती है, भी रही होती गुस्सा कर रही हो मतलब मरियम की वजह से नाराज हो ना, उसी ने आपकी कॉल नहीं उठाई। अरे क्या हो गया, अगर उस बेचारे को नहीं पता था वो आपका नंबर है। उसके आप कहती तुम ज़्यादा मरियम की साइड मत लो, ओके तुम्हारी फ्रेंड है इसका मतलब क्या मैं उसे सर पर बिठा के रखूँ? अभी रखती एक तो मुझे समझ नहीं आता मेरी फ्रेंड से आपका क्या लेना देना। हाँ तो उसके आप कहती बोला था ना वो प्रोजेक्ट में मेरी कुछ हेल्प कर रही है। अबीरा बोलती हाँ वो तो आपकी जूनियर है। तो अबीरा क्या कहती क्या है तुम ज़्यादा सर मत खाओ जाओ यहाँ से। अबीरा बोलती ठीक है जा रही हूँ। तो अबीरा जो है वो कहती कि आप के पास भी बात नहीं बनी, मम्मा को पास जाती हूँ मम्मा को अच्छे से बताऊँगी। तो ऐसे बोल के मम्मा के रूम में जाती है, देखते कि उसकी मम्मा लेटी हुई है। अबीरा कहती मम्मा मम्मा उठो ना ये कौन सा टाइम है सोने का। तो अबीरा की मम्मा कहती हटो जाओ यहाँ से मेरे समय बहुत दर्द है मुझे रेस्ट करें। तो अबीरा बोलती सर में दर्द है क्यों कहीं फीवर तो नहीं हो गया? ऐसे बोल के मम्मा को चेक करती है पर फीवर तो होता नहीं है, कहती अच्छा मैं सर दबा दूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के अपनी मम्मा के पास बैठी होती है, उनका सर दबाती है। उसकी मम्मा कहती बहुत टाइम के बाद अपनी माँ की याद आई गई तुम्हें, हाँ क्या मोबाइल की बैटरी लो गई तुम्हारी? अबीरा जोरों से हंसते कहती नहीं मम्मा मोबाइल तो फुल चार्ज है। उसकी मम्मा कहती फिर क्या टीवी पे तुम्हारा फेवरेट सीरियल नहीं आ रहा? अबीरा कहती उफ़ मम्मा मैं नहीं देखती सीरियल। उसकी मम्मा कहती फिर बिजी कहाँ रहती हो? अबीरा कहती अरे आपने बोला था ना स्टडी पे फोकस करो तो मैं बस स्टडी करती हूँ। उसकी मम्मा कहती देखा है मैंने तुम्हें जितना तुम स्टडी करी हो आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अबीरा कहती आपके सर में दर्द है ना चुप करके लेट रहो मैं दबा रही हूँ ना। तो अबीरा ऐसे बोल के अपने मम्मा के सर दबाती और थोड़ी देर में देखती है कि उसकी मम्मा सो गई है। तो अबीरा कहती चलो मम्मा तो सो गई बाहर ही चली जाती हूँ वरना उठ जाएंगी। तो अबीरा ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है अनोखी को, बार बार अनोखी के बारे में सोच रही होती है, उसके फेस पे एक स्माइल सी होती है, वो पछर मा भी रही
रही होती है। और तभी कहती है कि चलो जब तक अनोखी नहीं आती एक 200 बार फिर से वो वॉइस सुन लेती हूँ। तो ऐसे हंसते हुए फिर से वो वॉइस प्ले करती है और बस सुन रही होती है, आईज क्लोज करती है, उसके फेस पे एक स्माइल होती है। और तभी अमीरा क्या भी जो है वो भी उधर ही आके बैठ जाती है और कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। अमीरा बोलती नहीं अब मेरा मन नहीं है। तो उसके यहाँ पर कहती क्या मतलब मन नहीं है, बोल रही हो ना चुपचाप उठ जाओ। फिर कहती पापरे पाप उठ जाती हूँ, पहले यहाँ पर बहुत भड़की हुई लग रही है। तो अमीरा खड़ी हो जाती है कहती बताओ कहाँ जाना है। उसके यहाँ पर कहती चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अमीरा बोलती आप ही आपको पता है ना मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है और आज बार बहुत ठंड भी है। उसके यहाँ पर कहती चुपचाप आ जाओ, खिलाने लेके जा रही हो ना आइसक्रीम तो चुपचाप चलो बस। तो अमीरा कहती ओके ओके भाई गुस्सा मत करो मैं अभी आती हूँ। हाँ तो अमीरा भाग के रूम में जाती है, वो अपना दुपट्टा लेती है और कहती है कि दुपट्टे के बाहर गई ना तो मम्मी जान ले लेंगी। तो ऐसे बोल के वापस आती है कहती चलें। तो कहती अरे जाओ पहले अपनी मम्मा को तो बता के आओ। अमीरा कहती अरे मम्मा तो सो रही है ना हम बाहर से लॉक करते जाएंगे। तो उसकी आप ही कहती चलो ठीक है। तो उसके बाद ये लोग ऐसे करते हैं बाहर से लॉक करते हैं और स्कूटी पर बैठ के आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। लोग जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो अमीरा अपनी आप ही को देखते वो बहुत तेज़ तेज़ आइसक्रीम खा रहे होते। अमीरा कहती आप ही रिलैक्स कहीं भागी नहीं जा रही है आपकी आइसक्रीम। उसके आप कहती चुप करके अपनी आइसक्रीम खाओ मेरी आइसक्रीम पर नज़र मत रखो। तो ऐसे ही अमीरा अभी एक खाती है तभी उसके आप दूसरी ऑर्डर कर लेते हैं, वो दूसरी भी खाने बैठ जाती है। अमीरा एकदम शॉक्ड होती है कहती आप ही रिलैक्स हाँ देखो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे बताओ क्या बात है किस बात का गुस्सा है, जब आप बहुत गुस्से में होते हो तभी आप ऐसे फर फर आइसक्रीम खाते हो, बताओ हुआ क्या है। उसके आप कहती कुछ नहीं हुआ तुम अपना काम करो। अमीरा कहती अरे बताओ तो सही। तो अमीरा से आप ही से पूछ रही होती है तभी उसको एक कॉल आती है, जैसे मोबाइल रिंग होता है अमीरा खुश हो जाती है, उसे लगता है अनोखी कॉल है, वो तुरंत मोबाइल उठाती है पर अनोखी की नहीं होती उसकी फ्रेंड मरियम की होती है। अमीरा कहती अभी मरियम मुझे क्यों कॉल करी है यार। तो अमीरा तुरंत कॉल रिसीव करती है कहती हाँ मरियम बोलो। जैसे अमीरा क्या आप ही सुनती है कि मरियम का कॉल है उसे और गुस्सा आ जाता है और स्पीड से आइसक्रीम खाने लगती है। मरियम कहती है यार वो तेरी आप ही मेरे कॉल नहीं उठा रही किधर है वो। फिर बताती मेरे सामने बैठी है क्यों क्या हुआ। तो कहती यार अपना मोबाइल देगी मुझे उनसे बात करनी है। कहती ठीक है। तो अमीरा कहती आप ही ले मरियम का कॉल। तो उसके आप कहती मुझे किसी मरियम से बात नहीं करनी और मरियम कौन है मैं किसी मरियम को नहीं जानती। तो मरियम ये सब कुछ सुन रही होती है, वो हंसती भी है थोड़ा सा। और अमीरा जैसे मोबाइल कान से लगाती कहती सुन लिया आप ही को तुझसे बात नहीं करनी। तो वो कहती अच्छा चल ठीक है मैं रखती हूँ फिर। तो अमीरा कॉल रख देती है और मरियम वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, हंस रही होती है, यानी कि उसे परेशान होना चाहिए पर वो हंस रही होती है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अमीरा जो है वो आप कहती अच्छा बस बहुत हो गया आइसक्रीम खाना चलो घर चलते हैं इससे पहले मम्मी उठ जाए। अमीरा क्या आप कहती नहीं अभी नहीं मुझे और खानी है। तो अमीरा साफ मना कर देती है कहती घर चल रहे हो कि नहीं मैं अभी कर रही हूँ बुआ को कॉल। तो उसकी अभी कहती अच्छा ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद उसके आप वहाँ पर पेमेंट करती है और ये दोनों जो है वापस घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं ऐसे धीरे धीरे इधर उधर देख रहे होते हैं और तभी अमीरा की मम्मा रूम से बाहर निकलते हैं कहते तुम दोनों बाहर गई थी क्या। अमीरा बती हाँ मेरा मतलब हम लोग हाँ हाँ। तो अमीरा क्या भी कहती हाँ वो एक्चुअली हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। तो अमीरा की मम्मा बहुत गुस्सा करती है कहती मुझे नहीं जगा सकती थी अकेले क्यों गई ये वो। तो अमीरा कहती अरे मम्मा क्या हो गया हम कॉलेज भी तो आप ही और मैं अकेले ही जाते हैं ना तो क्या हो गया। उसकी मम्मा कहती आजकल हालात ठीक नहीं है तुम लोग बच्चे को खुद को समझती क्या हो ये वो। तो बहुत सुना देती हैं अमीरा का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और अमीरा की आपी का तो पहले से ही ख़राब था। अमीरा की आपी वहाँ कुछ नहीं बोलती वो बस चुपचाप सॉरी बोलते हुए रूम में चली जाती है। अमीरा अपनी मम्मा को कहती है मम्मा यार प्लीज़ ना इतना गुस्सा मत क्या करो पहले ही आप ही का मूड इतना ख़राब था तभी तो हम बाहर गए थे और देखो अब आपने और ख़राब कर दिया। तो उसकी मम्मा कहती क्यों क्या हुआ तुम्हारा आप ही को। तो अमीरा कहती पता नहीं बता भी नहीं रही बस उनका मूड ठीक नहीं है। तो अमीरा की मम्मा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ उनसे। तो ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती हैं जहाँ अमीरा की आप ही बैठी होती है सैड होकर बहुत सैड होकर बैठी होती है। तो अमीरा की मम्मा वहाँ पे आती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ तुम सैड क्यों किसी ने कुछ बोला तुम्हें। तो वो बोलती हैं नहीं नहीं मामी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि बेटा बताओ क्या हुआ क्या मम्मा को मिस कर रहे हो या फिर पापा की याद आ रही है। तो अमीरा क्या भी कुछ नहीं बोलती और कहती नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं है मैं क्यों बोला किसी को मिस करूँगी मैं किसी को मिस नहीं कर रही। वो कहती बेटा प्लीज़ बताओ ना। तो वो बस मामी को हक कर लेती है और कहती है कि आपने सही कहा मैं मम्मा को मिस कर रही थी। तो कहती अरे बेटा मैं अभी तो तुम्हारी मम्मा जैसी हूँ ना हूँ चलो शाबाश स्माइल करो प्यारी सी हाँ। तो अमीरा क्या भी स्माइल करती है अमीरा की मम्मा कहती इट्स लाइक अ गुड गर्ल ऐसे खुश रहा करो। तभी अमीरा आ जाती कहती मुझे भी हक कर लो। तो वो भी आके इन दोनों को हक कर लेती और उसके बाद ये तीनों हंसने लगते हैं और अमीरा के आपे का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है और अमीरा की मम्मा भी उनसे अच्छे से बात करती है सब थोड़ी मस्ती करते हैं। फिर अमीरा की मम्मा कहते हैं कि चलो अब मैं जाती हूँ हाँ खाना भी तो बनाना है ऐसे बोल के वो डिनर की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ अमीरा टाइम देख रही होती है कि डिनर का टाइम होने वाला अभी तक अनोखी नहीं आई कहाँ रह गई है यार ये अनोखी। और तभी अनोखी जो है
वो टेक्स्ट करती है अबीरा को कि हाँ जान इधर ही हूँ मैं आपके दिल में। तो अबीरा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कहती है अच्छा मेरे दिल में तो हो लेकिन नज़र के सामने कब आओगी। अनोखी बोलती नज़र के सामने आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वेट करना पड़ेगा आपको। अभी रबती हो कम ऑन, अब और वेट नहीं होता। तो उसके बाद दोनों ऐसे मैसेज पर ही प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। और अबीरा क्या पे स्टडी कर रही होती है, वो अबीरा को देखती है कि क्या मोबाइल में लगी रहती हो, थोड़ा पढ़ ही लिया करो। अबीरा बोलती बस आप यहाँ पे नहीं थी ना, आपका इसी टोन को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अबीरा क्या पे हंसती हुई कहती है कि अच्छा पढ़ भी लो। अबीरा कहती है हाँ पढ़ लूँगी, आप पहले पढ़ाई कर लो। तो अबीरा ने अब कहाँ पढ़ना होता है, वो बुक्स लेती है और कहती है कि मुझे ना ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आदत लग गई है, आप जो यहाँ पे नहीं थी अब मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ पढ़ने। बुक्स लेके ड्राइंग रूम में चली जाती है और बुक्स में हैंड फ्री भी छुपा के आई होती है वो। और वहाँ आगे वो अनोखी को कॉल करती है और बुक्स सामने रखती है और बस अनोखी से बातों में मगन हो जाती है। बातों बातों में दो घंटे बीत जाते हैं, इन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता। तभी अनोखी कहती मेरी जान अब पढ़ाई के बहाने आई थी ड्राइंग रूम, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। अमीरा बोलती पढ़ाई तो चलती रहेगी पर आप बार बार थोड़ी मिलोगी। अनोखी बोलती क्या मतलब। वो अबीरा बोलती बस कर दो, आपका दो घंटे ना तो साल के बराबर होता है, इतना वेट करवाती हो मुझे। अनोखी बोलती अच्छा मिस कर रही थी मुझे। अबीरा बोलती हाँ और आपने किया। अबीरा जैसे ऐसे बोलते हैं अनोखी हंसते हुए कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बोला तुम्हें मिस करने लगी। तो अबीरा थोड़ा सैड हो जाती है। अनोखी कहती है मिस तो उसे कहते हैं ना जो आपसे दूर होता है। इडियट आप तो हर टाइम मेरे पास होती हो, मेरे दिल में, मेरी यादों में, मेरे दिमाग में। हाँ तो अबीरा स्माइल करती है कहती अच्छा बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अनोखी बोलती हाँ पर आपसे बेहतर बातें बनाना तो मुझे भी नहीं आती। अबीरा बोलती क्या मतलब। अनोखी बोलती मुझे सब पता है। अबीरा बोलती क्या। अनोखी बोलती मुझसे क्यों नहीं अच्छे से बात करती। अबीरा बोलती क्या मतलब यार, मुझे जैसे बात करनी आती है मैं वैसे ही करती हूँ ना। अनोखी बोलती मैंने देखा है आपको अच्छे से बात करनी आती है, आप करती हो, फ्लर्ट भी आता है पर मेरे साथ नहीं करती। अबीरा हंसते हुए थी देखो यार मुझे ना फ्लर्ट का एफ भी नहीं आता, और वैसे भी फ्लर्ट उनके साथ नहीं किया जाता जिनसे हमें मोहब्बत हो। अनोखी बोलती अच्छा तो आपको हमसे मोहब्बत है। अबीरा बोलती हाँ बहुत सारी है, इतनी ज़्यादा कि बता भी नहीं सकती। तो उसके बाद दोनों हंसते हैं और फिर से फेर फेर बातें स्टार्ट करने लग जाते हैं। और बातों ही बातों में अबीरा कहती है कि अच्छा सुनो ना अब मैं आपको क्या कह के पुकारूँ। तो अनोखी बोलती है क्या मतलब। अबीरा बोलती आई मीन हमारा तो निकाह हो गया ना तो मैं आपको क्या बोलूँ। तो अनोखी बोलती हाँ मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। अबीरा बोलती वो तो मैं हमेशा से देती हूँ। अनोखी बोलती सच में। अबीरा कहती सच में। अनोखी बोलती चलो तो अब तो भाई मैं आपका पति हूँ ना तो अब ज़्यादा इज्जत देनी पड़ेगी। अबीरा बोलती पति हाँ कहाँ का पति, किस चीज़ का पति बताना जरा, पति वाले कोई काम किए हैं। अनोखी बोलती हाँ यार पति वाला कोई काम नहीं किया, पति का काम क्या होता है, पत्नी पे ऑर्डर देना। चलो अबीरा मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, चाय मिले चाय बना के लेके आओ। तो अबीरा जोरों से हंसती है कि हाँ आप तो चाय पीती नहीं हो। अनोखी बोलती एक गुड न्यूज़ दूँ, मैंने कुछ दिनों से चाय पीना स्टार्ट कर दिया। अबीरा बोलती ओ रियली। अनोखी बोलती हाँ भाई अब मैंने कहा मेरी जान पीती है तो मैं अभी आदत लगा लूँ, मुझे भी वही पीनी पड़ेगी। तो अबीरा जोरों से हंसती है कि उसकी जरूरत नहीं है, माना हमारी पसंद इतनी नहीं मिलती पर प्यार तो है ना, दिल मिल गया तो पसंद की क्या ज़रूरत। अनोखी बोलती नहीं मुझे हमारी पसंद भी सेम करनी है। तो अबीरा जोरों से हंसने लग जाती है और बातों ही बातों में वक्त बीतता जाता है। और थोड़ी देर के बाद अबीरा की आपी आ जाती है, वो जैसे दरवाज़ा खोलती है वो देख लेती है कि अबीरा मोबाइल यूज़ कर रही है। उसके आपी कहते तुम यहाँ पढ़ने के बहाने मोबाइल यूज़ कर रही हो। अबीरा बोलती नहीं नहीं वो ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा था ना तो YT पे लेक्चर ले रही थी। उसके आपी कहते अच्छा ठीक है तुम जल्दी से बाहर आ जाओ डिनर कर लो, हाँ हम सब तुम्हारा कब से वेट कर रहे हो, और आवाज़ लगा रहे थे आवाज़ जिस नहीं देती। अबीरा बोलती वो वॉल्यूम ज़्यादा था ना लेक्चर ले रही थी। उसके आपी कहते अच्छा ठीक है बाकी के लेक्चर बाद में लेना पढ़ने आ जाओ। अनोखी जोरों से हंसती कहती अच्छा लेक्चर ले रही हो। अबीरा की तो बैंड बजी हुई होती है और अनोखी बहुत तंग आ रही होती है कहती हाँ ना प्यार की पाठशाला चल रही है आप ही यहाँ पे आओ ना देखो कैसे मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो अबीरा की हंसी छूट जाती है। उसके आप ही कहती कौन सा लेक्चर ले रही हो जिसमें तुम्हारी हंसियाँ छूट रही है दिखाना जरा। अबीरा बोलती मम्मी बुला रही है, हाँ मम्मी आ रहे हैं हम, चलो चलो आप ही हाँ चलो 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 डिनर करते हैं। ऐसे बोल के मोबाइल तुरंत पॉकेट में डाल दिया और डिनर करने के लिए टेबल पे आ जाते हैं। और अबीरा की मम्मा कहते हैं कि पहले हैंड फ्री निकालो और पॉकेट में डालो।
अबीरा बोलती हाँ ओके, तो अबीरा अपनी हैंड बैग भी उतार के पॉकेट में डाल देती है। और उसके बाद ये सब मिल के डिनर करते हैं। अबीरा के पापा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा कह रही थी कि कल शॉपिंग पे चलना है। अबीरा बोलती हाँ पापा जाना तो था, पर वो अचानक से ना ग्रुप में मैसेज आया कि छुट्टी कैंसिल हो गई। उसके पापा कहते ये क्या तरीका होता है भाई अचानक से छुट्टी कैंसिल क्यों। अबीरा कहती वो तो हमें भी नहीं पता पर छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो कल तो कॉलेज जाना होगा, फिर शॉपिंग किसी और दिन चलेंगे ना। तो उसके पापा कहते चलो ठीक है, इसका मतलब मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ। तो अबीरा की मम्मा हंसने लग जाती है, कहती हाँ हाँ जाओ जाओ आप तो आज़ाद जो हो गए हो। तो अबीरा की मम्मा कहती है कि ये नहीं कि बच्चे नहीं जा सकते तो बेगम को शॉपिंग पे ले जाओ, कभी मुझे भी लेके गए हो बाहर, जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस। तो अबीरा ज़ोरों से हंसने लग जाती है और अनोखी भी हंस रही होती है क्योंकि सारी की सारी बातें सुन रही होती है। और अबीरा जो है वो अपने पापा के साथ मजाक करते हुए कहती पापा वैसे आप लास्ट के पापा को बाहर कब लेके गए थे। तो उसके पापा कहते चुपचाप ना अपना खाना खाओ ओके, बच्चों के मुंह से ऐसी बातें ना अच्छी नहीं लगती। अबीरा बोलती कम ऑन पापा मैं बची नहीं रही, अच्छा बताओ ना। तो अबीरा की मम्मा कहती पापा से क्या पूछते हो बेटा, मैं बताती हूँ ना, जब तुम पैदा होने वाली थी ना तब हम लोगों ने साथ गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद तो कभी ये बाहर मुझे लेके नहीं गए, कभी ड्राइवर के साथ, कभी इनके आपे के साथ, कभी किन के साथ शॉपिंग पे जाती रही हूँ मैं, और कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ। अबीरा बोलती पापा सच में तुम तय हो गया कल आप मम्मा को बाहर लेके जा रहे हो फुल फुल डे के लिए। तो उसके पापा कहते व्हाट, नहीं 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 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है मैं कल ऑफिस जाऊँगा। अबीरा बोलती अरे आप छुट्टी ले रहे थे ना हमारे लिए भी, तो तब कल भी छुट्टी ले लोगे। तो इसके पापा मना कर देते हैं। अबीरा बोलती प्लीज़ 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 पापा आपको मेरी कसम प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उसके पापा कहते अच्छा पापा ठीक है लेके जाऊँगा। तो अबीरा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद फिर ये अच्छे से डिनर करते हैं, साथ में बैठते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं। अबीरा की मम्मा कहती है कि मैंने तुम सब लोग के लिए ना मीठे में कुछ बनाया, वेट करो लेके आती हूँ। तो लोग उधर ही बाहर बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, तभी अबीरा की मम्मा सबके लिए मीठा लेके आते हैं, सब बहुत ही मज़े से खाते हैं और आपस में बहुत सी बातें भी करते हैं। वहाँ अनोखी वेट कर रही होती है कि अबीरा कब रूम में जाएगी। अनोखी टेक्स्ट करती है और अबीरा कहती अरे यार अनोखी तो वेट कर रही थी मैं तो भूल ही गई। अबीरा बोलती मम्मा 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 आपको तो पता है मैं इतना मीठा नहीं खाती मेरी बस हो गई है। तो ऐसे बोल के बस एक स्पून लेती है और रख देती है और ऊपर रूम में भाग जाती है। और रूम में जाने के बाद कहती सॉरी 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 जान प्लीज़ सॉरी, मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि आप कॉल पे हो आप मेरा वेट कर रहे हो। अनोखी बोलती देखा मुझे भूल गई थी ना। अबीरा बोलती नहीं पापा नहीं भूली। तो इसके बाद ये लोग ऐसे ही कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बात ही बातों में अबीरा बोलती है कि ना आप पे ना पहला हक मेरा है। तो अनोखी बोलती हाँ मुझे पता है, ये बात अभी क्यों बता रही हो। अबीरा बोलती वो इसलिए कि अनोखी बोलती इसलिए क्या। हाँ अबीरा बोलती इन फ्यूचर। अनोखी बोलती हाँ इन फ्यूचर क्या। अनोखी बोलती है बोलो। अबीरा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो अबीरा कुछ नहीं बोलती। अनोखी हंसते हुए कहती है कि अच्छा यही बोलना चाह रही हो ना कि हमारा बच्चा जो होगा हम है ना। तो अबीरा ज़ोरों से हंसते ही थी आपको किसी पता। अनोखी बोलती देखा जानू मुझे सब पता है मुझे बेबी गर्ल पसंद है और तुम्हें। अबीरा बोलती हाँ बेबी गर्ल। अनोखी बोलती तो तय हुआ हमारी एक बेटी होगी प्यारी सी सुंदर सी क्यूट सी तुम्हारी तरह। अबीरा बोलती नहीं आपकी तरह। तो अनोखी बोलती नहीं पापा तुम्हारी तरह। अबीरा बोलती हाँ ठीक है मेरी तरह, कहीं आपकी तरह गुस्से वाली हो गई तो बाप रे बाप मैंने तो रुल जाना है, कभी उससे मनाऊँ कभी आपको मनाऊँ। तो अनोखी ज़ोरों से हंसते कहते अच्छा मेरा गुस्सा इतना ख़राब है। अबीरा बोलती बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है आपका गुस्सा। अनोखी बोलती ऐसी भी कोई बात नहीं होगी। अबीरा बोलती हाँ अच्छा सुनो ना मैं ये कह रही थी कि आप पे हक मेरा है ओके ना, बच्चों से भी ज़्यादा मेरा हक है, अगर मेरी बेटी को भी ज़्यादा मुँह लगाया ना तो मैं आपको मुँह तोड़ दूँगी। तो अनोखी ज़ोरों से हंसते कहती मतलब मैं अपनी बेबी को मुँह भी नहीं लगा सकती, वाह क्या बात है ना। अबीरा बोलती हाँ मतलब प्यार करना उसे लेकिन मुझसे कम, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करना फिर बाद में उसे प्यार करना। तो अनोखी हंसते हुए कहती ना बाबा ना मैं जब ऑफिस से आऊँगी ना तो आते ही साथ तुम्हारी गोदी से बेबी लूँगी, बस उसे ढेर सारी किस करूँगी और उसे लेके भाग जाऊँगी, तुम बस मेरा बैग वगैरह संभालती रहना मेरे कपड़े संभालती रहना। अबीरा बोलती मुँह ना तोड़ दूँ आई बड़ी ऐसा होगा तो हम बेबी कभी करेंगे नहीं। अनोखी बोलती नहीं 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 मुझे बेबी चाहिए मुझे बेबी बहुत पसंद है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अबीरा बोलती हाँ तो फिर बोलो कि सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करोगी बेबी से भी ज़्यादा। अनोखी होती अच्छा बाबा ठीक है सबसे ज़्यादा प्यार आपको करूँगी ओके अब खुश। अबीरा बोलती
ना क्यों कितनी क्यूट हो ना तुम छोटा सा बच्चा। अभी बोलते ओ हेलो आई एम नॉट अ बच्चा ओके। ना क्यों बोलते हाँ मेरा छोटा सा बच्चा मेरा शहजादी आई लव यू। अभी बोलते हाँ ठीक है ठीक है। ना क्यों बोलते वॉट ठीक है ठीक है। अभी अभी ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी उसके आप ही आ जाती है और अभी एकदम चुप हो जाती है। उसके आप कहते क्या कर रही हो किससे बात कर रही हो। अभी बोलते नहीं नहीं मैं तो बस म्यूजिक सुन रही हूँ। उसके आप कहते ठीक है। तो अभी आँखें बंद करती है और अनोखी बस उससे बातें कर रही होती है। अभी हंसते हुए फिर टाइपिंग करती है। उसके आप कहते तुमने बोला था तुम लेक्चर ले रही थी हो गया तुम्हारा अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाऊँ। अभी आप ही को देख के हंसती है। उसके आप कहते हैं हाँ ठीक है इतना घूरने की जरूरत नहीं है। तो अभी और ज़ोरों से हंसती है। फिर वो अनोखी कहती है कि अच्छा सुनो ना मुझे सोना है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना है मुझे मुझे नमाज़ पढ़नी है। अनोखी बोलती है नमाज़ पढ़नी है क्या बात है मेरी जान ने नमाज़ स्टार्ट कर दी। तो अभी बोलती हाँ मैं अब नमाज़ पढ़ती होती हूँ पता है। अभी बोलती गुड गर्ल चलो फिर सो जाओ। तो अभी बोलती हाँ ऐसे कैसे सो जाऊँ अच्छे से सुलाओ ना जैसे सुलाती हूँ। अनोखी बोलती अच्छा पापा ठीक है। तो अनोखी जो है वो अभी को सुला रही होती है। अभी को नींद नहीं आ रही होती है। अभी टेक्स्ट करती है कि जान एक स्टोरी सुनाओ ना। तो अभी बोलती स्टोरी अरे मुझे स्टोरी वटोरी नहीं आती यार पर मैंने एक सपना देखा था वो सुनाऊँ। अभी बोलती हाँ हाँ सुना दो। तो अभी आँखें बंद करती हूँ मोबाइल साइड पर रखती हूँ ऊपर ब्लैंकेट डालती है। तो अनोखी बोलती है कि सपना थोड़ा सा अजीब था जानू पर इस सच में मैंने ये देखा है। तो अभी हल्का सा स्माइल करती है। अनोखी बोलती है अच्छा ठीक है हाँ सुनी ओके मैं बताती हूँ ओके। तो अनोखी बोलती है पता है मैंने सपने में देखा कि मैं पाकिस्तान आ गई। तो अभी के फेस पे स्माइल आ जाती है। अनोखी बोलती है हंसो नहीं यार सच में मैं ना पाकिस्तान आई हूँ और मैं ना आके खो गए मैं इधर उधर देख रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं मैं पाकिस्तान नहीं पैसा नहीं मैं इतने पागलों की तरह इधर उधर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो वीरा ऐसे बोलना चाह रही थी कि फिर क्या हुआ। तो अनोखी बोलती हाँ बता बता यही पूछना चाह रही हूँ ना फिर क्या हुआ कहाँ से मत बताती हूँ। अनोखी बोलती फिर क्या फिर मैं अचानक एक लड़की से ना टकरा गई फिर जब मैंने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं तुम हो मैंने तो तुम्हें हक कर लिया पर तुमने मुझे पहचाना नहीं तुमने मुझे पीछे धक्का दिया। तो मैंने मुझे कहा कौन हो मैं नहीं जानती तुम्हें पीछे हटो। मैंने कहा मैं हूँ यार अनोखी देखो मुझे। तो तुमने कहा तुम अनोखी कैसे तुम्हें किसने बताया अनोखी का नाम हाँ बोलो कौन हो किसने भेजा बोलो तुम्हें मेरी अनोखी यहाँ नहीं है वो इंडिया में। यार तुम मुझे पहचान नहीं रही थी मैं इतना बोल रही थी कि मैं अनोखी हूँ पर तुम मुझे नहीं पहचान रही थी। तो वीरा हंस रही होती है अनोखी बोलती यार क्या है मेरी जान निकल गई थी तुम्हारे अलावा मैं पाकिस्तान में किसको जानती हूँ यार फिर मैंने इतना बोला मैं अनोखी 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 तो मेरी बात नहीं मान रही थी। फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया जैसे मैंने गुस्सा किया तुमने कहा तुम तो मेरी अनोखी हो मेरी अनोखी ऐसा गुस्सा करती है हद है यार मतलब प्यार से बोल रही थी तुम्हें समझ नहीं आता ठीक है मैं तुम्हें गुस्सा करती हूँ। तो मेरा तुरंत मोबाइल उठाती है हंसने वाली इमोजीज भेजते कि अच्छा मैंने नहीं पहचाना हो ही नहीं सकता जैसे आप मेरे सामने आओगी ना मैं आपको तुरंत पहचान लूँगी। अनोखी बोलती सच में यार नहीं पहचान रही थी। अभी बोलती अच्छा फिर क्या हुआ अनोखी बोलती मोबाइल क्यों उठाया पहले मोबाइल रखो। अभी बोलती अच्छा ठीक है रख दिया। तो अनोखी बोलती हाँ फिर ना तुमने मुझे पहचाना फिर तुम घर लेके आए मुझे सबसे ऐसे छुपा छुपा के ला रही हो और तुम्हारी आपी ने ना देख लिया तुम्हारी आपी कह रही ये कौन है। तो तुमने कहा कि मेरी फ्रेंड है। तो तुम्हारी आपी कहती तुम्हारी तो हर फ्रेंड को मैं जानती हूँ तो ये कौन है। तो तुमने बोला ये वो तो तुम ऐसे ऐसे कर रही हो। तो तुम्हारी आपी कहती कि क्या हुआ इसके मुँह में जबान नहीं है तुम ही बोल दो भाई कौन हो कैसे जानती हो मेरी बहन को। तो मैं बोलने लगी थी तुमने मेरा हाथ थाम लिया और तुमने कहा कि आपी ये वो के पी के से आई है ना तो इसको इसको उर्दू अच्छे से नहीं आती तो मैंने ऐसे तुम्हें देखा। तो तुम्हारी आपी कह रही है अच्छा तो तुम्हें थोड़ी सी भी उर्दू नहीं आती। तो मैंने ऐसे बोला हाँ मुझे मुझे आती है। तो तुम्हारी आपी कहती ये तुम्हारी लैंग्वेज इतनी अजीब अजीब क्यों लग रही है। तो तुमने फ़ौरन से बोला हाँ आपी ये वो के पी किस है ना इसे ढंग से उर्दू बोलना नहीं आता हाँ हाँ इसीलिए इसीलिए। तो तुमने ऐसी बात को कवर किया। यार मुझे एक बात बताओ क्या सच में हम इंडियन की लैंग्वेज तुमसे थोड़ा चेंज होती है। अभी फोरन बोलती है हाँ। तो वीरा की आपी कहती क्या हाँ क्या हो गया तुम्हें। अभी रख थी अरे वो दोस्त को वॉइस कर रही थी। उसके आपी कहती सो जा चुपचाप इस टाइम वॉइस कर रही हो। तो वीरा की आपी की बात सुन के अनोखी ज़रूरत से हंसती है और कहती मैसेज कर दो ना डफर। तो वीरा टेक्स्ट करती है कहती हाँ थोड़ा सा डिफरेंस तो है हमारे चेंज है पता नहीं क्यों आप लोग शायद हिंदी बोलते हो हम उर्दू बोलते हो हमारे वर्ड्स तो मिलते जुलते पर फिर भी बोलने का स्टाइल चेंज है यार। अच्छा ये सब छोड़ो आगे बताओ ना आगे सपने में क्या हुआ। अनोखी बोलती नहीं मुझे नहीं बताना। अभी बोलती प्लीज़ बताओ ना। अनोखी बोलती पहले मोबाइल रखो और अपनी उठाओगी। अभी बोलती खुद ही तो बोला था टाइपिंग कर लो अच्छा रख रही हूँ बाबा। अनोखी बोलती फिर क्या हुआ तुम मुझे अपने रूम में लेके आई। अभी बोलती अच्छा फिर। अनोखी बोलती फिर क्या था तुमने दरवाज़ा बंद किया। अभी बोलती अनोखी बोलती आगे बताओ।
मीरा फिर कहती नोके बोती फिर तुमने कुंडी लगाई और मेरी तरफ आई। मीरा बोती नोके बोती फिर क्या था, फिर जब तुम मेरे पास आ रही थी ना, हाय मुझे ऐसे अजीब सा हो रहा था, तुम थोड़ा मेरे करीब आए, तुमने मुझे देखा और फिर तुम बोली कि ना के वो। फिर बोलती अनोखे बोलती क्या कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बोलना मुझे। फिर बोलती अनोखे बोलती हे ऐसे मत करो, वो आप ही को शौक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बताती हूँ। फिर क्या था, तुमने मुझे बाहों में थाम लिया, मैंने भी तुम्हें बाहों में थाम लिया, एक दूसरे को भी टाइटली हक करके खड़े थे, फिर हक करके पीछे मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे आईज में खो गई थी, इतने प्यार से देख रही थी पहली बार, तुम्हारे फेस को मैंने अपने हाथों में थामा, तुम्हें छुआ, तुम्हारे फोरहेड पे किस किया और तुम्हारे इन सुंदर सुंदर आइस पे किस किया, तुम्हारे चीक्स को ही अपने हाथों से पुल किया और फिर वहाँ पे एक प्यारी सी किस की। तो अबीरा की सांसें बहुत तेज़ हो रही होती हैं। अनोखे बोती आके बोलूँ तो मेरे बोते अनोखे बोते फिर मैंने आपके हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और आपके हाथों पर प्यार से किस किया आपके, और आपके हाथों को किन फिंगर्स को ऐसे 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 अपने हाथों से घुमा रही हूँ, और ये आपके लिप्स को बहुत 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 ज़्यादा प्यार से देख रही हूँ, और ये धीरे धीरे आपके करीब आ रही हूँ, और ये आपके लिप्स को ऐसे अपने फिंगर से टच किया और एक सॉफ्ट सी प्यारी सी किसी एक प्यारी सी किसी करी, हाँ, और बस फिर आपको ऐसे हक कर लिया ऐसे 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 टाइटली वाला, ऐसे ऐसे मन कर आपको अपने सीने के अंदर घुसा लूँ। तो फिर आके फेस पे एक प्यारी से स्माइल आ जाते हैं, उनको बोलती अच्छा बहुत मज़े ले लिए, अब सो जा चुपचाप। तो फिर आगे सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उनको बोलती सो जाओ ना, अभी लगती उनके बोती ओए चुपचाप आके बंद करो सो जाओ, मैं ना आंखों में ना वो जड़ चिल्ली डाल दूँगी समझी। तो मेरा की फेस तो स्माइल आ जाती है, मेरे बोती क्या है सो भी तो नहीं रही ना, कब से सुला रही हूँ, सुबह उठना है ना, नमाज नहीं पढ़नी, चलो सो जाओ। अच्छा इधर आ जाओ, मैं ऐसे अपने शोल्डर पर ले लेती हूँ ना, हाँ ऐसे 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 अपनी बाहों में, चलो अब सो जाओ गुड नाइट। तो ऐसे अनोखी पैर पे बातें करके अबीरा को सुलाई देती है, अबीरा सो जाती है, फिर अनोखी भी सो जाती है, और सुबह अबीरा का अलार्म बजता वो तुरंत उठती है, और उठने के बाद वो वज़ू वगैरह करती है, नमाज पढ़ती है और अल्लाह से बस दुआ मांगती है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और स्पेशली अनोखी के लिए। उसे पता नहीं होता कि उन दोनों का रिश्ते का आगे घर क्या अंजाम निकलेगा, पर वो अपने रिश्ते में बहुत खुश थी, वो बस इतना चाहती थी कि अनोखी हमेशा उसके साथ रहे, उसे प्यार दे, उसका ख्याल रखे, और अबीरा भी हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, उसे प्यार देना चाहती थी, इन दोनों का रिश्ता बस ऐसे मजबूत बना रहे, इसीलिए वो अल्लाह जी से प्रे करती है। और उसके बाद उठती है, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, और बस कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए निकल लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बिकॉज मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फुल बैंड बजी हुई है, बहुत ट्राई करी हूँ कि आवाज़ निकले पर नहीं हो पा रहा, सो आज के लिए मैनेज कर लो, एंड आई एम नॉट श्योर कि बाकी वीडियोज भी मैं आज अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज सच में मुझे बहुत कोल्ड हुआ है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और खांसी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इतनी मेहनत करके चीख चीख के वीडियो बनाई है गले की बैंड बजा बजा के कि यार, तो यार लाइक मत करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, दिन टाटा बाय बाय। एंड हाँ हो सके तो मेरे लिए प्रे करना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि इस गले के साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके दिन टाटा बाय बाय।